दोस्तों जो ऑल आर वॉचिंग हैशटैग गोंदिया चैनल, आई एम योर होस्ट सी बघेल सर। आज मैं रामटेक आपको घुमाऊंगा। पीछे के रास्ते से चलेंगे जो जंगल होते हुए पहाड़ की ओर जाता है। बहुत ही ऊंचा पहाड़ है, थोड़ा भय तो लगता है अकेले होने की वजह से, मगर भगवान रामचंद्र का स्मरण करते हुए हम पहुँचते हो रहे हैं। बहुत ही मनोरम है। ध्यान देखो, बंदर वगैरह बैठे हैं नीचे, ऊपर देखो नीचे भी बैठे हैं। ये वराह अवतार है, वहाँ भी बंदर वगैरह बैठे हुए हैं। बहुत बड़ा किला नुमा यह मंदिर है और बहुत ऊंचे पहाड़ पे है। इस पहाड़ पे या इस किले पे कहिए कि ऊंचाई से पूरा रामटेक शहर का दर्शन हो जाता है। बहुत पौराणिक मंदिर है, किला भी बहुत पौराणिक है। बहुत सारे लोग आते हैं, आए दिन यहाँ भीड़ लगी रहती है। राम जन्माष्टमी के समय, रामनवमी के समय तो दिगर बात है, मगर आड़े दिन भी बहुत लोग, देखिए बंदर लोग कैसे खेल कूद कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम लखन जानकी जी की, जय हनुमान जी की। देखिए मेन मंदिर का रास्ता दिखाई दे रहा है, अपन चलते हैं धीरे धीरे। सभी को मालूम है कि वनवास काल के दौरान श्री राम लखन जानकी जी यहाँ ठहरे हुए थे। यहाँ श्री राम लखन जानकी जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है यहाँ पर और बहुत ही प्राचीन है। परब्रह्म परमेश्वर श्री राम लखन जानकी, शिव का जो स्वरूप है हनुमान जी, जब यहाँ पर थे। मंदिर भी अपने आप में बहुत ही आकर्षक है, बड़े नक्काशी लिए हुए, प्राचीन शैली है, पूरा पुरातत्व के हिसाब से ये गवर्नमेंट के अधीन में है। ये यहाँ पर सरकारी कर्मचारी इस मंदिरों की देखभाल करते हैं, यहाँ गार्ड और पुलिस लगी रहती है। मंदिर की शिल्पकारी देखेंगे तो आप नज़र नहीं हटा सकेंगे, बहुत ही खूबसूरत। और चारों तरफ जंगल है हरा भरा, जगह जगह बंदर दिखाई देंगे आपको। कुछ ना कुछ देना पड़ता है बंदरों को, चना वगैरह इस टाइप से, डरने वाले कोई बात नहीं कि बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, हमारा मनोबल बढ़ता है। अभी आपने देखा ना, इसमें चक्रधर स्वामी का मंदिर भी है, डाकराम सुकड़ी वाले, राधा कृष्ण जी का मंदिर भी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।